पूर्वी चंपारण जिले में बढ़ रहे अपराध के खिलाफ आज जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने मोतिहारी को बंद करवाया। बंद के दौरान जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पूर्वी चंपारण में बढ़े हुए अपराध को सरकार की असफलता करार दी है। उन्होंने कहा कि चाचा भतीजा की महागठबंधन की सरकार में अपराधी बेकाबू हो गए हैं और पूर्वी चंपारण में मात्र 10 दिनों के अंदर 15 निर्दोष लोगों की हत्या अपराधियों ने कर दी। हालांकि पुलिस ने इन मामले में कार्रवाई शुरू की है, लेकिन अपराध पर काबू नहीं पाया जा सकता। उन्होंने कहा कि गरीब शब्द नेताओं का इज़ाद है जो अपने फायदे के लिए किया गया है। पप्पू यादव ने कहा कि चाचा भतीजा के महागठबंधन की सरकार में अपराध बढ़ा है और इस बढ़े अपराध से आम जनता परेशान है। जब कार्यकर्ताओं ने अपराध पर काबू पाने के लिए कल देर शाम प्रशासन के खिलाफ मशाल जुलूस निकाल कर विरोध किया था, आज सुबह ही सैकड़ों की संख्या में जाप कार्यकर्ताओं ने मोतिहारी नगर के छतौनी चौक, मीना बाजार चौक, स्टेशन चौक, जानपुल, ज्ञान बाबू चौक, चांदमारी चौक और बलुआ चौक के दुकानों को बंद कराया। हालांकि बंद का आम जन जीवन पर आंशिक असर रहा। बंद का नेतृत्व जब नेता अभिजय सिंह ने किया, इस अवसर पर जाप नेता अभिजीत सिंह ने कहा कि जनता परेशान है और अपराधी मस्त है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की अहिंसा वाली कर्मभूमि पर पिछले 10 दिनों में 15 लोगों की निर्मम हत्या अपराधियों ने की है, फिर भी सरकार कहती है कि अपराध कम हुआ है। समाज की बेटियों के लिए भी ऐसे ही लोग खतरे में हैं। ये लोग अपराधियों को अपना घर में सेव करके रखते हैं। सूची डाउन कीजिए ना, औरतन भाई ले ले भाई। इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, भैया आप कहाँ लेके चले गए वहाँ गाड़ी। ये तो हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बिहार के 13.5 करोड़ के लिए। ये जो नेता है ये सबसे बड़ा कुकर्मी और पापी है। ये जो बड़ा बड़ा हुक्म दिखता है आपको, ये चुनाव के समय ये दुनिया के जितने अपराध हैं इसके जनक हैं ये नेता, इसके जनक है ये जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, रिपोर्टर माफिया। रिपोर्टर लोग ये नेता यदि चाहे एक ही परिवार में एक ही व्यक्ति को डर ना हो, नेता यदि चाहे मैंने दुनिया में जितने धमका देते हैं, चाहे 10 दिनों में 15 हत्या। हमारी लड़ाई आम आदमी की आजादी के लिए, हमारी लड़ाई मोतिहारी और बिहार की बेटियों के लिए है। मोतिहारी की जनता जब अपराध और माफियाओं से तंग आ चुकी, हम पहले भी मोतिहारी बंद किए थे आपको याद होगा, जब इसी मोतिहारी शहर में जब अपराधियों के द्वारा व्यवसायियों को लगातार गोली मारी जाती रही थी, कुछ लोग ये बहुत गई। हम लोग अभिजीत जी कभी मुजफ्फरपुर, कभी मोतिहारी, कभी सासाराम, कभी कटिहार, आखिर क्यों, आखिर क्या कारण है, हमें आपका सहयोग क्यों लेना पड़ता है? हम नहीं चाहते हैं बगैर आवाज के। मैंने दुनिया में देखा जब जनता की आवाज थम जाती है, भैया ताला चाबी आज बंद ने आह्वान किया है, कई संगठनों ने हमें समर्थन दिया हुआ है। आज की जो बंदी है वो अपराध के खिलाफ है। 15 दिनों में 16 हत्याएं इसी चंपारण की धरती पर, 60 घंटों के अंदर 6 हत्याएं इसी चंपारण की धरती पर, वे महात्मा गांधी की धरती है। इसे रक्त मुक्त करने का संकल्प हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी ने लिया है, उसी के समर्थन में आज आप देखिए संपूर्ण चंपारण आज बंद है, सारी दुकानें खुद ब खुद बंद है। ये दिखाने के लिए काफी है कि आज कहीं ना कहीं चंपारण वासी अपराधियों के खिलाफ, अपराध के खिलाफ जो है कितने डरे हुए हैं, कितने सहमे हुए हैं। इनकी डर को हटाने के लिए यहाँ के प्रशासन के खिलाफ और यहाँ के अपराधियों के खिलाफ, यहाँ के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जन अधिकार पार्टी का बंदी है। पप्पू यादव खुद पहुँचे हुए हैं। बिल्कुल, पप्पू यादव आ रहे हैं थोड़ी देर में, एक
बहुत बड़ा काफिले के साथ वो आ रहे मोतीपुर पहुंच चुके हैं।